मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे लसा और मसा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के दो पार्ट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए थे हम लोग को, आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में जितना भी कंसेप्ट बच गया उसको हम लोग क्वेश्चन पे उसको धीरे धीरे करवा देंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। जब आप लोग को अवश्य समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। देखिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग देखिए गौर से, आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। तो सवाल बोर्ड पे दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका लसा दिया हुआ, उनको लसा 48 दिया हुआ, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। देखिए जब अनुपात रहेगा तो संख्या को x में सटा देंगे, इसमें ये हो जाएगा 2x। चलिए ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आपका होगा 6x, एलसीएम आपको दिया हुआ 48, एलसीएम निकालें तो कितना होगा 6x, अब 48 दिया हुआ इसको काटेंगे तो 8×6=48, तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर 8 निकल गया। x का मान कितना निकला, चलिए इसमें 3x हो गया, 3x का मनवा इसमें रखेंगे तो x के मनवा कितना है 8 है, तो 8 है तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8×3=24 हो जाएगा। आपके लिखेंगे 2x, तो 2x 2×x का मनवा 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8×2=16। अब क्या पूछ रहा, योगफल पूछ रहा है संख्याओं का योगफल, क्या संख्याओं का योगफल, योगफल पूछेगा ना, योगफल जब योगफल पूछेगा तो 24+16 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा। इसका आंसर कितना आ गया, दो संख्याओं का योगफल 40 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर हो गया बी वाला। देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल को, देखिएगा दूसरा सवाल दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना 35,828 है तथा उनका एचसीएफ कितना है 26 है, तो उन संख्याओं को लसा ज्ञात करना, क्या आपको लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए हम फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जी हम फार्मूला बताए थे अगला वीडियो में कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लसा गुणे मसा हम फार्मूला आप लोगों को बता दिए थे। चलिए तब दो संख्याओं का गुणनफल दे ले, 35,800 कितना है 28 है, 35,828 है तथा इसका लसा तो निकालना है, तो लसा को क्या करेंगे हम, लसा को छोड़ देंगे। चलिए महत्तम आपको दे ले कितना 26 है तो 26 करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे ना ये पूरा तो आपको कितना 1378 मतलब कट जाएगा, तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, ये पट्टी कर देते हैं लसा को, तो लसा लघुत्तम समवर्तक बराबर 1378, यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 1378। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला 1378 इसका आंसर हो गया। हम लोग तीसरा सवाल को देखेंगे, देखिए तीसरा सवाल दिया है कि इतना से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। जब पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कहेगा ना, तो जो हम लोग बचपन से जो एलसीएम जानते हैं उस एलसीएम को पहले निकालते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 4 है 5 है 6 है और 12 और 18 का कर देते, इसको पहले बच्चा वाला से इसको एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा जी, 5 नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो इसको 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 के 3 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये नहीं लगा तो इसको छोड़ देंगे। चलिए उसका बाद अब 3 से लगा देते हैं, जब 3 से लगाएंगे तो लगाइए 1 हो जाएगा, ये 5 के 5 रह जाएगा, 5 के 5 रह जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आई हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, देखिएगा जोड़ा इसमें, देखिए जब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें जोड़ा लगाया जाता है, तो देखिएगा 2×2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा नहीं, 3 का जोड़ा है तो 3 का जोड़ा इसमें करेंगे, 3×3 का जोड़ा है, चलिए 5 का जोड़ा नहीं है तो देखिए जब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोलेगा ना तो संख्या का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो अपना मन से 5 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे इसको तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। देखिए जब निकालने के लिए रहेगा पूर्ण वर्ग तो संख्या का जोड़ा लगाया जाता है, तो इसमें जोड़ा लगा दें, इसमें जोड़ा 5 का जोड़ा नहीं था तो 5 का जोड़ा लगाकर गुना कर देंगे तो कितना आपका हो गया पूर्ण वर्ग कितना हो गया 900। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग देखेंगे चौथा सवाल को, देखिएगा क्या बोल रहा हुआ, न्यूनतम संख्या जिससे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा
112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है, शेष बचने की बात नहीं कर रहा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले इस संख्या को क्या निकाल देंगे, एलसीएम, तो 36 है, फिर उसके बाद कितना है 48 है, फिर 112 है। तो देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे कि सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़िएगा, सबसे बड़ा वाला संख्या को, तो पहले एलसीएम बराबर कितना करेंगे 112, तो 112 वाला संख्या को पकड़ेंगे। लेकिन देखेंगे 112 संख्या जो 26 से कटता है, नहीं कटता है, 48 112 नहीं कटता है, जब नहीं कटेगा तो 112 के हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 112 का पहाड़ा 9 से गुना हम कर देते हैं 112 में, तो 9 × 2 = 18 का कितना होगा 8 होगा, 9 × 1 = 10 और फिर 9 × 1 = 10, तो कितना हो गया 108 हो गया। तो कहने का मतलब एलसीएम कितना हो गया 108 हो गया, 108 है ना, देखिएगा 108 है जो 36 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा और 112 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया, इसका आंसर 108 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे 5वां सवाल को, देखिएगा इसमें शेष नहीं बचल था, अब सवाल आएंगे शेष बचे वाला, किस शेष बचता है उसको सवाल को हम लोग देखेंगे अगला आगे। देखिए हम लोग के सामने 5वां सवाल बोर्ड पे उपलब्ध है, आप लोग गौर से देखिएगा। वह सबसे संख्या बताएं जो इतना से विभाजित होती है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस संख्या को पहले क्या करें, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, कितना है 12 है, उसका बाद कितना है 15 है, उसका बाद 20 है। इस संख्या को क्या करते हैं, पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो इसको 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसका उतार देंगे जो कहते हैं, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से लगाते हैं इसको जी, जब 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 नहीं लगेगा, ये 5 हो जाएगा। चलिए आपके 3 से इसको लगा देते हैं, 3 से लगाएंगे तो 3 कट जाएगा, आइए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। चलिए इसको आपके 5 से लगा देते हैं, 5 से लगेगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए क्या बताए थे, जब संख्या, जब देखिए जब पूर्ण वर्ग की बात कहेगा, जब पूर्ण वर्ग की बात कहेगा तो संख्या का जोड़ा लगाते हैं। तो देखिएगा इधर संख्या को क्या 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 करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाने का मतलब 2 × 2 इस संख्या का जोड़ा हो गया, इस संख्या का जोड़ा नहीं हो रहा है तो अपना मन से 3 को गुना कर देंगे। चलिए 5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है जी, तो 5 के इसमें गुना कर देंगे, 5 को 5 और 5 का अपना मन से भी गुना कर देंगे, ये सब को गुना कीजिएगा ना आप, तो आपका गुना करला पे कितना हो जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे 6ठा सवाल को देखेंगे, देखिएगा इसका क्या करना है, इसका देखिए इसका ऑप्शन देते हैं, तो इसका ऑप्शन है वो कितना दे देते हैं, इसका ऑप्शन है वो 720 है, आई बी वाला ऑप्शन कितना है 728, ऑप्शन नंबर सी हो गया ये 700, और फिर ऑप्शन नंबर डी है 730। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिला है, कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना और इतना से भाग देने पर हर बार 8 शेष बचता है, शेष बचने की बात कह रहा है, 8 शेष बचता है जी। तो देखिएगा 15 है, देखिएगा यहाँ पे 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद कितना है 36 है, उसके बाद 48 है, ये सबको एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए कि एक विधि और होता है, गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 3 × 5 हो जाएगा, तो 15 को हम लिख सकते हैं कि 3 × 5। चलिए उसका बाद हम निकाल देंगे कितना का 20 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 = 5, उसका बाद हम निकाल देते हैं 36 का निकाल देते हैं, तो 36 के 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 3 × 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 36 के गुणनखंड कितना हो गया 2 × 2 × 3 × 2। अब निकाल देंगे 48 के निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे गौर से आप लोग समझिएगा, पहले 48 के निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा,
फिर दो से लगाएंगे तो छः हो जाएगा, फिर दो से लगाएंगे तो तीन हो जाएगा, तो दो के पावर चार गुना थ्री हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जब 48 को गुणनखंड किए तो कितना होगा, दो के पावर चार गुना हो गया थ्री। चलिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे कि सबको लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, पावर के रूप में रहेगा तो बड़का पावर को लिखेंगे। तो चलिए टू है तो टू को लिख दिए, थ्री है तो थ्री को लिखें, फाइव है तो फाइव को लिखें, टू है थ्री है फाइव है तो सबको लिख दिए। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए बड़ा पावर को चलते हैं लेके, तो दो के पावर फोर है, दो के पावर टू है, दो के पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो दो के पावर यहाँ लिखेंगे फोर, पावर बड़ा वाले लेके चलेंगे। चलिए थ्री है, देखिएगा थ्री का पावर कितना है, थ्री का पावर टू है, एक पावर वन है, तो थ्री के पावर बड़ा वाला पावर लेकर चलेंगे। पाँच के पावर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। चलिए इसको गुना कीजिए, इसको सोलह होगा, सोलह गुने नौ और गुने हो जाएगा पाँच, इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 720 न हो जाएगा जी। जब गुना कीजिएगा पूरा के तो 720 होगा। आपका एलसीएम कितना हो गया, आपका एलसीएम 720 हो गया। लेकिन देखिए हर बार कितना बोल रहा है, आठ शेष बच रहा है। जब शेष बचने की बात होगा ना तो जो एलसीएम निकालेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे, तो इसमें प्लस आठ जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 728। इसका कितना हो गया, हर बार शेष कितना आठ बचता है, शेष बचने की बात कहेगा जो एलसीएम निकाल के आएगा उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 728। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, देखिएगा छठा सवाल, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें से 8, 9, 12, 15 से विभाजित पर विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, कितना शेष बच रहा है, वन शेष बचता है। पहले उस संख्या को, पहले जिस संख्या दिया उसको एलसीएम निकालेंगे, तो 8 है, 9 है, 12 है, 15 को क्या निकालेंगे, इसको पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे कि हम लोग सबसे बड़का वाला संख्या को पकड़ते हैं, क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। एलसीएम जब निकालने के लिए रहेगा तो सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं, तो बड़ा वाला संख्या कितना हो गया, पंद्रह हो गया। चाहे ऐसा ना कीजिएगा तो इसको देखिए, इसको डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल देते, तो इसको एलसीएम निकालिएगा तो 360 होगा, ये एलसीएम निकालिएगा तो 360 होगा जी, समझिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक शेष बचता है, जब शेष बचने की बात कहेगा जो एलसीएम निकाल के निकालिएगा जिसमें से, आज शेष बचने की बात कहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 361, तो इसका आंसर कितना हो गया 361, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।